मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा अब तक उनके पास 75,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए, इनके फलीभूत होने से प्रदेश में तकरीबन 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा उनकी सरकार प्रदेश के हर इलाके में निवेश के लिए उद्योगपतियों से चर्चा कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान का कार्यक्रम इंदौर में बहुत अच्छा हुआ, इसी के साथ हमने एक्सीलेंस कॉलेज का शुभारम्भ किया। उन्होंने बताया कि मैं 2 दिन पहले मुंबई गया था जहाँ मैंने अलग अलग निवेशकों के साथ मुलाकात की। पहले जबलपुर में निवेश के लिए क्रांति आएगी, फिर ग्वालियर और दमोह के निवेश के लिए हमने हामी भरी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि निवेशकों के साथ चर्चा में 41 उद्योग समूह ने 75,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव दिए। इन निवेश प्रस्तावों के जरिए 1 लाख रोजगार पैदा होंगे। वैसे तो हम सब कल यशस्वी प्रधानमंत्री के जो आह्वान है पूरे प्रदेश के लिए एक पेड़ माँ के नाम का लगातार अभियान चला रहे हैं। 5 जून के बाद से प्रदेश के अंदर अलग अलग जिलों ने अलग अलग प्रकार से बहुत अच्छी तैयारी, कल इंदौर में अच्छा कार्यक्रम हुआ, साथ ही साथ इंदौर में एक बड़ा काम इंदौर के माध्यम से पूरे प्रदेश के लिए हुआ, एक्सीलेंस कॉलेज का पूरे प्रदेश के अंदर 55 ही जिलों में PM एक्सीलेंस कॉलेज का कल हमने एक तरह से शुभारम्भ किया। कई कामों का भविष्य में होने वाले निर्माण, लगभग 500 करोड़ के कामों का शुरुआत हुई। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।